हेलो दोस्तों, मैं दिनेश केवोरा, चैनल 5 हिंदी पे आपका स्वागत है। नीति आयोग ने एक बॉम्ब फोड़ दिया है। जी हाँ, नीति आयोग योजना आयोग को हटा के बना था, प्लानिंग कमीशन को हटा के बना था, और मोदी जी की ये कल्पना थी कि ये पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ेगा, टीम इंडिया बनाएगा। हालांकि पिछले 5 साल में ऐसा कुछ लगा नहीं देखा जाए तो कि नीति आयोग अपने प्लानिंग कमीशन को हटा के कुछ ऐसा कर पाया हो जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट करें, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी नीति आयोग ये कह रही है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने का टाइम आ गया है और उसको फोर्सफुली लाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है नीति आयोग के साथ में, जो टू व्हीलर्स जो मेकर्स हैं, बजाज हैं, TVS हैं, हीरो हैं, बाकी हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजीव बजाज भी थे, बजाज ऑटो के, और TVS के श्रीनिवासन भी थे। अब यहाँ पे देखेंगे जो थ्री व्हीलर्स के जो ज़्यादा करके जो निर्माता इंडिया में वो बजाज के हैं, जो इंडिया में जो आप ऑटो यूज़ करते हैं, थ्री व्हीलर ऑटो यूज़ करते हैं, मोस्टली बजाज बनाते हैं वो, और जो टू व्हीलर्स हैं उसकी काफ़ी कंपनीज हैं। अब नीति आयोग ने एक डेडलाइन दे दी कि 2023 में, यानी कि आज से सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर, आप जितने भी पेट्रोल डीजल या CNG से जो भी थ्री व्हीलर चलते हैं आप सारे बंद कर देंगे। अब इंडिया में सिर्फ जो EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले जो हैं, बैटरी वाले ही थ्री व्हीलर चलेंगे। अब थोड़ा सा अजीब लगता है, और ये इतनी छोटी डेडलाइन दे दी है नीति आयोग ने, जैसे कि एक डिक्टेटोरियल अंदाज में होता है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 2025 तक जितने भी टू व्हीलर्स हैं 150 cc के, अब देखिए 150 cc यानी 90% से ऊपर जो मार्केट है इंडिया में मोटरसाइकिल्स की या स्कूटर्स की, वो 150 cc से नीचे की ही है। अब उनसे ये कहा जा रहा है कि ये सारी 90% जो मार्केट है ये EV में चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज हो जाए, आप पेट्रोल की मोटरसाइकिल और स्कूटर नहीं बना पाएंगे इंडिया में 2025 के बाद, जो कि हार्डली 6 साल दूर है। अब इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन आए हैं और कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं, राजीव बजाज की भी आई, श्रीनिवासन की आई है। बोलता है आप दरअसल क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रोक के अंदर पूरी की पूरी जो हिंदुस्तान की जो प्रोग्रेस है टू व्हीलर्स के अंदर, उसको निगेट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर का निर्माता है, सबसे ज्यादा टू व्हीलर का कंजप्शन है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया 3 मिलियन बाइक्स हर साल एक्सपोर्ट करता है, 30 लाख बाइक्स। जी हाँ, कमाल की बात यह है कि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे और दूसरा व्हीकल बनाना ही छोड़ देंगे तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? 30 लाख अगर मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट नहीं होंगी, और फिर ये कहना कि नहीं एक्सपोर्ट के लिए मोटरसाइकिल आप दूसरी यूज कर सकते हैं, तो फिर ऐसे डबल असेंबली लाइंस कैसे बनती है? उन्होंने कहा है कि श्रीनिवासन का भी कहना था कि ये एक ही वर्ड्स में जो डिक्टेटोरियल जो आदेश है नीति आयोग के, ये हमारे जो ऑटो उद्योग जो ऑलरेडी डाउन है उसको बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि ये नीति ठीक नहीं है, नीति आयोग के द्वारा जो की है उसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। हालांकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्कूटर्स बनाए जा रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये नीति बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो आपके पास अभी जो आ रहे हैं वो स्कूटर ही आ रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं है उसके अंदर। मोटरसाइकिल अभी भी दूसरे आपके पेट्रोल वाले हैं सारे के सारे, कोई बहुत नेग्लिजिबल मात्रा होगी बैटरी वाली मोटरसाइकिल की, तो मेरी नज़र में मुझे ज्ञान नहीं है इस बात का, क्यों मोटरसाइकिल सारी पेट्रोल से ही चलती हैं। और पेट्रोल की मोटरसाइकिल्स को ये कहना कि आप ईवी में चेंज कर दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज करो, तो ये अजीब सी बात है। और आपने सिर्फ टोटल मिला के 4 साल और 6 साल का टाइम दिया थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को, तो मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा ये कम है। और पोल्यूशन का नाम लेके सिर्फ अगर इस ढंग से हम उसको फोर्सफुली लेके आएंगे तो शायद हम अपनी इंडस्ट्री का भट्टा बैठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो नीति आयोग, हमें उम्मीद है कि ऐसा कोई भी ड्रास्टिक कदम नहीं उठाएगी और कोई ऐसा आदेश नहीं देगी राइटिंग के अंदर इंडस्ट्री को कि आप ये कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आदेश दे दिया जाता है तो इट विल बी ए डूम टाइम फॉर इंडियन इंडस्ट्री। और उन्होंने एक बात और कही इन दोनों की, राजीव बजाज ने और श्रीनिवासन ने TVS की, कि आप जितना पेट्रोल बचाना चाहते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप ऑपरेट करते हैं तो उससे ज़्यादा कीमत की, जितना पेट्रोल आप बचाएंगे उससे ज़्यादा कीमत की आप लिथियम बैटरीज आप इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया ये बैटरियां बनाता ही नहीं, इंडिया दरअसल कुछ भी नहीं बनाता देखा जाए तो, छोटी मोटी चीज़ें छोड़ के। हम तो स्क्रू ड्राइवर्स और पेचकस से होते हैं, वो भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। छोटा मोटा जो एक एक्सपर्टीज आया है टू व्हीलर्स में आगे पीछे करके
वो सारा का सारा इंडिया में जो है फॉरेन कोलैबोरेशन का ही सारा का सारा मामला है। अपना तो कोई प्योर आपको इंडियन तो मोटरसाइकिल आपको या स्कूटर इंडिया में मिलेगा नहीं जो इंडियन मेड हो, जिसे हम ये कह सकें। तो सब कहीं ना कहीं से कोलैबोरेशन हैं, टेक्निकल कोलैबोरेशन हैं। तो ये उनकी जो चिंता है बिल्कुल ठीक है और मैं भी इनसे सहमत हूँ, क्योंकि अगर कोई बसी बसाई इंडस्ट्री है जो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ऑटो के अंदर जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, जहाँ 30 लाख मोटरसाइकिल आपकी एक्सपोर्ट होती हैं, तो आप भला इस एक सधे सधाए दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल के सेगमेंट को, टू व्हीलर के सेगमेंट को आप क्यों नीचे लाना चाहते हैं एकदम से? तो ये कदम सरकार सोचे, इस पर नीति आयोग वापस सोचे कि ये कदम जो है शायद इंडियन इंडस्ट्री के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जितनी भी इंडस्ट्री है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग, टोटल जीडीपी का 15% है, उसमें जो 42% जो आता है वो ऑटो उद्योग से आता है। जी हाँ, ऑटो उद्योग से आता है। तो ये था आज का कैप्सूल चलफा हिंदी पे नीति आयोग की डिक्टेट पर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्ट किए जाए। शुक्रिया आपका।